हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी चैताली। तो आज का वीडियो होने वाला है एक प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो। तो ये वीडियो में चालू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये कोई भी एडवर्टाइजमेंट वीडियो नहीं है, ये मेरा जेन्युइन हॉनेस्ट रिव्यू है एक प्रोडक्ट के लिए। और वो प्रोडक्ट है एक सनस्क्रीन, ये है वाव का सनस्क्रीन। तो इसका मैं आज आपको रिव्यू करके बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको परचेस करना है नहीं करना है, इट्स ऑल अपॉन टू यू, बट मैं आपको मेरा हॉनेस्ट रिव्यू बताऊंगी। तो चलो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है SPF 55 का। एक्चुअली हम लोग को आउट ऑफ स्टेशन जाना था दिसंबर मंथ में, तो मैं SPF 55 का खरीदा है मैंने ये प्रोडक्ट। अगर आप डेली यूज़ के लिए नॉर्मल आप सनस्क्रीन कोई चाहते हो तो आप SPF 35 का यूज़ कर सकते हो। हम लोग को शिमला मनाली ट्रिप के लिए जाना था जो कि पहाड़ी एरिया में है, तो मुझे पूरा दिन मतलब सुबह से 10 बजे से लेकर 5 तक मैं कंटिन्यूज़ में आउटडोर थी, तो मैं हर 2-2 घंटे पर ये सनस्क्रीन है वो अप्लाई कर रही थी। तो इसलिए मैंने ये SPF 55 का परचेस किया है। तो आप SPF 35 का भी परचेस कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना अमेजिंग है गाइस कि मैं पूरा ट्रिप मेरा ख़त्म करके फिर से मैं रिटर्न आई, पर फिर भी मेरे फेस पे एक भी सनटैन नहीं था, 1% भी सनटैन नहीं था। इसलिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें है एवोकाडो ऑयल, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट्स, रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट से, इसमें ग्लिसरीन है, विटामिन ई है जो कि हमारी स्किन को अच्छे से नरिश करती है, और ये वाटर प्रूफ भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आउटडोर हो तो पसीना आ रहा है तो ये क्रीम निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाटर प्रूफ है, ये पॉल्यूशन फ्री है, तो ये इसका एक बेनिफिट है। और इसके पैकेजिंग पे लिखा है आपको एवरी 30-40 मिनट्स के बाद ये री अप्लाई करनी है, बट मैं आपको बताऊँगी कि ये 1-2 घंटे के बाद में आप री अप्लाई करेंगे फिर तो भी आपको इसका अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो आपको एवरी 30-40 मिनट्स के बाद ये री अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको 15-20 मिनट्स पहले इसको अप्लाई करना है, और इसको अप्लाई करने से पहले आपको कंपलसरी मॉइस्चराइज़र लगाना है, आपको अच्छे से अपना फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, और मॉइस्चराइज़र के बाद ही आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। तो इसकी पैकेजिंग देखी जाए गाइस तो आपको लगेगा ये छोटा सा बॉक्स है, बट ऐसा नहीं है गाइस, ये बहुत टाइम तक चलता है। मैंने ये नवंबर मंथ में लिया था, मैं हर रोज़ ये री अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, तो अभी तक ये मेरा प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसकी पैकेजिंग देखी जाए तो लगती है छोटी सी, बट ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और ज़्यादा टाइम तक चलती है गाइस, ट्रस्ट में। अगर आप इंडोर में भी हो तो भी, आप घर पे भी हो तो भी, आपको एटलीस्ट दिन में 1 टाइम इसको यूज़ करना है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको ये 2-2 घंटे पे रीअप्लाई करना है, बट आप घर पे हो तो प्लीज़ आप एक बार तो ये प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। ये अप्लाई करने के लिए पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डीप मॉइस्चराइज, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। एकदम थोड़े से क्वांटिटी में मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है, पूरा टैप टैप करके मैं मेरे फेस को लगा रही हूँ गाइस, आप देख सकते हो। अपने फेस को मैं अच्छे से कवर कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र से, उसके बाद में नेक को भी अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मैं अभी सनस्क्रीन, उसकी भी मैं क्वांटिटी थोड़ी सी ही लेने वाली हूँ। वो भी मैं थोड़ा सा लेके टैप 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 करके मेरे पूरे फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा लिया ऐसा किया और लगाया, ऐसा नहीं, पूरा मैं फेस को अपने टैप टैप करके लगा रही हूँ, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारे स्किन के अंदर, फुल कवरेज देता है, फुल कवरेज देता है गाइस।
देख सकते हो आप, ये इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है और फुल कवरेज दे रहा है। देख सकते हो आप कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ है ये मेरे फेस पे, आप देख सकते हो। बाद में आप इस पे पाउडर या फिर आपका कॉम्पैक्ट जो भी प्रोडक्ट है आपका, वो आप अप्लाई करके बाहर जा सकते हो। तो ये है इसका अप्लाई करने का तरीका।